शरूमां आगळ वात करीए तो भाजपनो कार्पेट कॉम्बिंग प्रचार यथावत छे अने आजे गृहप्रधान अमित शाहे सर्वप्रथम नडियादमां जनसभा संबोधी ज्यां तेमणे राम मंदिर मुद्दे कोंग्रेस पर प्रहार कर्या। जानुआरी 2024 राम मंदिर तैयार थई जशे तेवुं कह्युं। अयोध्यानी टिकीट कढावी दो तेम कही राहुल गांधीनुं नाम लई प्रहार कर्या। कोंग्रेसे गरीबी नहीं परंतु गरीबो हटावी दीधा होवानो पण अमित शाहे आक्षेप कर्यो। सांसद राघव चड्डाए जणाव्युं कि गुजरातना तमाम सरकारी कर्मचारीओनी एक मोटी मांग छे जूनी पेन्शन योजना गुजरातमां लागू करवामां आवे। आ मांगने लईने सरकारी कर्मचारीओए आंदोलन कर्युं हतुं। भाजपनी भ्रष्ट सरकारना काने अवाज पहोंचवा खूब प्रयास कर्या त्यारे गुजरातमां 8 ડિસેમ્બરે आपने सरकार बनता ज जूनी पेन्शन योजना लागू कराशे। आ केजरीवालनी गेरंटी छे। केजरीवाल एक वार गेरंटी आपे पछी पोतानुं पण सांभळता नथी। आम आदमी पार्टी की झाड़ू वाली अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनेगी तो गुजरात में आम आदमी पार्टी तमाम कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करेंगे, यानी कि हम लोग पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से गुजरात में लागू करेंगे। और ये वादा सिर्फ एक जुमला नहीं है जैसे बीजेपी के लोग इसे जुमला कहते हैं, ये केजरीवाल की गारंटी है। ये बीजेपी का 15 लाख रुपए आएंगे वाला जुमला नहीं है, ये केजरीवाल की गारंटी है। केजरीवाल जी ने अगर एक बारी गारंटी दे दी तो फिर वो खुद की भी नहीं सुनते। गुजरात विधानसभा चूंटणी में मुस्लिम समुदाय अग्रणीओ बीजेपी सूर साथ सूर मिलावता हो लगी रही है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंचना संयोजक मोहम्मद अफजल द्वारा गुजरात मुसलमानों ने सौनो साथ सौना विकास सूत्र ने साकार करवा माटे अपील करवामां आवी। तेमणे कह्युं कि 60 वर्ष में गुजरात में मुस्लिमों विकास थयो नथी। छेल्ला 27 वर्ष में गुजरात में मुस्लिमों ने रोजगार सारू शिक्षण सारी स्वास्थ्य व्यवस्था भाजप सरकार द्वारा पूरी पाड़वामां आवी छे।